सिंह स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश 1 यूनिट नंबर है 18 सॉरी यूनिट नंबर 8 उसमें चैप्टर नंबर जो 2 है गोइंग टू बाय अ बुक उसकी एक्सरसाइज है वो हम लास्ट में कर रहे थे। इसमें हम देखे तो लास्ट में जो लेट्स राइट वाला जो टॉपिक है पेज नंबर 144 पे जो टॉपिक है लेट्स राइट उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हमारा हो गया था। आगे जो पेज नंबर 145 पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहां से हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स राइट क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है कि टीना गोज टू हर स्कूल लाइब्रेरी टू बोरो अ बुक। टीना है वो एक गर्ल है जो स्कूल की लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए बुक बोरो करने के लिए गई है। कि कंप्लीट हर डायलॉग विद द लाइब्रेरियन बाय यूजिंग एंड और इन द ब्लैंक्स। ओके तो आपको नीचे जो लाइब्रेरियन और टीना के बीच में जो डायलॉग से वो आपको कंप्लीट करने हैं, लेकिन उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ किसके जो गैप दी गई है ब्लैंक्स दी गई है बीच में डायलॉग्स में उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एंड या तो फिर और यूज करना है। ओके यहाँ पे मैम है यानी कि मैडम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक। क्या बोला टीना ने मैडम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक मैं एक बुक बोरो करना चाहती हूँ। फिर लाइब्रेरियन बोलेंगे लाइब्रेरियन सेज तो क्या आएगा डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक। और का यूज होता है तो अगर आपको
जाए। आप किसी के घर पे जाओगे तो आपको क्या पूछेंगे, टी पियोगे कि कॉफी लोगे, टी लोगे कि कॉफी लोगे, है ना। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए, दोनों में से एक को चूज करना है। तो एंड है वो, हम दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे ही है तब हम एंड यूज करेंगे। जैसे कि आप कोई शॉप पे जाओ, दुकान पे, तो आप बोलते हो ना कि मुझे एक पेंसिल चाहिए, एक इरेजर चाहिए एंड एक शार्पनर चाहिए। तो तीनों के तीनों आपको चाहिए, तो आई वॉन्ट एन इरेजर एंड अ शार्पनर एंड अ पेंसिल, तब हम एंड यूज करेंगे। लेकिन दोनों में से कोई एक को चूज करना हो, ऑप्शन हो आपके पास कि ये चाहिए कि ये चाहिए, तब हम और यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो क्या पूछा है, ऑप्शन दिया है कि दोनों के दोनों आपके फेवर में ही है। तो देखो, डू यू वॉन्ट, क्वेश्चन पूछा है कि डू यू वॉन्ट ए स्टोरी बुक कि अ बुक ऑफ पोयम। वो लाइब्रेरियन है, वो पूछेगी कि तुम्हें स्टोरी बुक चाहिए कि पोयम की बुक चाहिए। तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन दिए उसको, दोनों चाहिए ऐसा नहीं पूछा है कि ये चाहिए कि वो चाहिए, टी चाहिए कि कॉफी चाहिए, ऐसा है ना। तो यहाँ पे अ स्टोरी बुक और अ बुक ऑफ पोयम दोनों ऑप्शन में है, दोनों में से एक चूज करने को बोला है। तो हम यहाँ पे चूज करना हो दोनों में से एक ऑप्शन, तब हम और यूज करेंगे। फिर है आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक। अब जो टीका है उसने ऑप्शन चूज कर लिया, वो आंसर दे दिए। देखो क्या बोलती है, आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक। टीना सेज आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक। ओके, फिर लाइब्रेरियन जैसे क्या बोलेंगे, तो लाइब्रेरियन सेज स्टोरीज अबाउट एनिमल्स। ब्लैंक एडवेंचर स्टोरीज। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि स्टोरी बुक है वो, टीना ने स्टोरी बुक है वो चाहती है, लेकिन उसमें भी जो लाइब्रेरियन है वो पूछ रही कि स्टोरी बुक में भी कौन सी स्टोरी चाहिए तुम्हें, कि डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स की एडवेंचर स्टोरीज, एनिमल्स के बारे में स्टोरीज आपको पसंद है कि एडवेंचर स्टोरीज आपको पसंद है। तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन है कि दोनों में से आपको कौन सी पसंद है, पे भी ऑप्शन है आपको एक चूज करना है। तो यहाँ पे भी हम और यूज करेंगे कि डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स और एडवेंचर स्टोरीज। तो आप टीना है वो क्या बोलेंगी, आई लाइक बोथ, तो आपको दोनों पसंद है ऐसा बोलेंगी। तो टीना सेज आई लाइक बोथ। ओके, तो पहले ये जो ब्लैंक्स है तो लिख लो आंसर।
अब लाइब्रेरियन कहेगी, क्या कहेगी? लाइब्रेरियन सेज कि गो टू द सेकंड कबर्ड
ओके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द बुक, उनमें से आपकी जो फेवरेट बुक्स है उसके नेम्स आपको लिखने हैं, और उसमें स्टोरी बुक तो होगी ही सबकी फेवरेट, तो एक स्टोरी आपको लिखनी है। ओके, लेट्स मेक अ बुकमार्क बनाना है, ये जो सभी स्टेप है उससे कैसे बनाते हैं वो आप स्टेप है वो रीड कर लेना खुद से। सिर्फ आप पेपर या ग्रीटिंग कार्ड है वो लेना है, उसमें बर्ड का शेप है वो ड्रॉ करना है। बुकमार्क क्यों बनाते हैं, आप कोई भी बुक रीड कर रहे हो तो पूरी तो एक बार में रीड नहीं हो जाएगी, सो बीच में हम जहाँ पे रीड कर रहे होते हैं तो हम वहां पे ऐसे पेज है वो मोड़ देते हैं, यहाँ तक हमने रीड किया है आगे का बाकी है। तो ऐसे आप फोल्ड करोगे पेपर को तो बुक है वो खराब दिखेगी, इसलिए हम बुक मार्क लगाते हैं जब जो भी पेज पे हम रीडिंग स्टॉप किया था वो पेज तक हम यहाँ पे बुक मार्क लगा देंगे। तो कैसे बनाना है वो स्टेप है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद लेट्स कवर अवर बुक, तो कोई भी बुक है वो बिना कवर के नहीं रखनी है, कोई ना कोई कवर है वो बुक को लगाना ही है। यहाँ पे भी देखो प्लास्टिक का कवर है वो लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ओके, तो कवर लगाने से आपकी बुक है वो अच्छी रहेगी, जो मेन जो पेज है ऊपर के वो फटेगी नहीं, गंदे नहीं होंगे। सो एवरी बुक को कवर तो लगाना ही पड़ता है, कोई भी कवर आप ले सकते हो, न्यूज़पेपर भी ले सकते हो, फिर मार्केट में भी कवर्स है वो अवेलेबल होते हैं, तो अलग अलग कलर के अलग अलग डिजाइन के भी कवर आपको मिलते हैं। तो कैसे लगाना है उसके स्टेप भी यहाँ पे दिखे हुए। तो आपकी जो बुक है उससे थोड़ा बड़ा कवर होना चाहिए, जिससे अंदर की साइड उसको कवर करके फोल्ड करके हम उसको लगा सके, ताकि कवर है वो निकल ना जाए। ओके, तो यहाँ पे वो भी स्टेप है वो कवर करने के, जैसे आप तो सब कवर करते ही होंगे, आपके पेरेंट्स है या आपके घर में कोई भी बड़ा जो है वो कवर करके आपको देखता ही होगा। फिर हम देखें तो पेज नंबर 148 पे, डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या जानना है बुक के बारे में, है ना। तो अभी तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, बुक है, पेन है, जिससे हम बुक है वो, ये देखो इतनी बहुत सारी बुक्स है वो जल्दी से, और बहुत सारी बुक है वो कॉपी भी हो जाती है ना। कोई एक बुक है लिख के, कोई एक पेपर ही ले लो ना आपके, कोई एक पेपर है वो लिख एक प्रिंट है वो लिखी जाती है पेन से, लेकिन उससे सभी स्टूडेंट्स को देने के लिए हम उसकी फिर अलग अलग लिखने नहीं बैठते, उसकी क्या हो जाता है उसकी कॉपी निकल जाती है। लेकिन पुराने जमाने में, पहले जमाने में ऐसे कुछ जेरोक्स करने की मशीन या ऐसा पेन या ऐसे पेपर वो सब कुछ नहीं था, तब वो लोग कैसे लिखते थे। तो द अर्लिएस्ट बुक्स वेर रिटन बाय हैंड, पहले की जो बुक्स थी वो हैंड से लिखी जाती थी। अभी तो हम बुक्स देखे तो ये सब जो बुक में लिखा हुआ है वो हैंड से लिखा हुआ नहीं है, वो तो हम क्या करते हैं कंप्यूटर में और उसमें टाइप करके लिखते हैं, हैंड से खुद से नहीं लिखते हैं, पेन से नहीं लिखते हैं, है ना, टाइप किया जाता है और लिखा जाता है। तो पहले के जमाने में तो कंप्यूटर थे ही नहीं, तो वो लोग कैसे लिखते थे, तो पहले के जमाने में हाथ से ही लिखा जाता था, हैंड रिटन ही होता था। 2000 ईयर्स एगो इन इंडिया, 2000 साल पहले भारत में, इंडिया में बर्चपाक यानी कि भोजपत्र एंड पाम लीव्स, पाम लीव यानी जो खजूर होते हैं उनकी जो लीव्स यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, नीचे लीव पाम लीव आपको दिया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे ताड़पत्र, है ना, ताड़पत्र और भोजपत्र वेर यूज्ड फॉर पेजेस, पेजेस की जगह पे क्या यूज किया जाता था, लीव्स यूज किए जाते थे, जो ट्रीज होते हैं उसके लीव्स है वो यूज किए जाते थे, उसमें से कौन से भोजपत्र और ताड़पत्र यूज किए जाते थे। अब पेन एंड ब्लैक इंक वेर यूज्ड टू राइट ऑन बर्च
बार्क, जो बर्च बार्क होते थे यानी कि भोज पत्र होते थे उसके ऊपर पेन से या तो फिर इंक से लिखा जाता था। तो अब पेन कहाँ से, तो पेन यानी कैसी पेन थी, तो देखो अ शार्प आयरन स्पाइक वाज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पाम लीव्स। पाम लीव से बहुत ही शार्प धारदार, जिसको हम बोले वो आयरन की, लोखंड की जो कील होती है, यहाँ पे आपको देखो कील ड्रॉ की हुई है, ऊपर लिखा है आयरन स्पाइक। तो जो आयरन की जो कील होती है वो भी कैसी होती है, बहुत ही धारदार होती है। उससे पाम ट्री लीव्स होते हैं पाम के, उसके ऊपर लिखा जाता था। होल्स वे ड्रिल थ्रू द लीव्स एंड द बुक वॉज हेल्ड टूगेदर बाय अ स्ट्रिंग। अभी तो हम क्या कर देते हैं, बुक है वो स्टेपलर करके या कुछ ऐसे जॉइंट कर देते हैं सभी पेज को, लेकिन पहले जमाने में क्या करते थे, बुक के अलग अलग पेज को जो जो पाम ट्रीज के पाम लीव्स होते हैं उसमें लिखा जाता था, और उसकी बुक बनाने के लिए उसके ऊपर होल किए जाते थे और होल के अंदर थ्रेड बांध के, या तो फिर क्या है यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, डोरी बांध के उसको बांधा जाता था जिससे बुक बनाई जाती थी। यहाँ पे आपको दिया गया है, पिक्चर भी दिया गया है, पाम लीव्स और कील दिखाई गई है और स्ट्रिंग भी है और होल्स भी है, देख सकते हो आप है ना। तो ऐसे बुक्स है वो बनाई जाती थी। तो हमारे यहाँ अब की बुक्स और पुराने जमाने की बुक्स में बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता था। फिर नीचे है एंजॉय एंड रीड द पोयम, यहाँ पे पोयम दी गई है उसको रीड करो, एंजॉय करो। से इन कोरस, कोरस यानी समूह में सभी एक साथ मिलकर बोलना है, गाना है। बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर फन, बुक्स है वो बहुत ही ग्रेट होती है, बुक्स आर फन, बुक्स में बहुत ही आनंद मिलता है। बुक्स लेट यू डू व्हाट यू हैव नेवर डन, बुक है वो जो आपने कभी भी नहीं किया हो वो करने देती है। रीड अ गुड मिस्ट्री, अच्छी सी मिस्ट्री बुक पढ़ो। सोल्व अ क्राइम, और क्राइम सॉल्व करो। रीड अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में पढ़ो। गो बैक इन टाइम, और हिस्ट्री के जो टाइम का हिस्ट्री आपको दिया जाता है उस टाइम में वापस चले जाओ। रीड अबाउट अ लॉस्ट डॉग, वेयर कैन इट बी, लॉस्ट डॉग के बारे में पढ़ो, वो कहाँ हो सकता है वो पढ़ो। रीड अबाउट अ जायंट फ्रॉग अंडर द सी, सी के अंदर रहता हुआ जायंट फ्रॉग के बारे में भी रीड करो। रीड अ वेरी फनी बुक, बहुत ही फनी यानी हंसने वाले बुक है वो पढ़ो। टीयर्स गो अवे, टीयर्स है वो चले जाएंगे। रीड अ ब्राइट सनी बुक ऑन द रेनी डे, जब रेनी डे हो बारिश वाला दिन हो तब सन दिखता नहीं है, उस दिन आप बहुत ही ब्राइट या सनी बुक है वो पढ़ो। ओके, तो अब कोरस करना है, साथ में गाना है। बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर फन, लेट्स रीड बुक एवरीवन। ओके, सो यहाँ पे ये जो लेसन है यूनिट नंबर 8 है उसके दोनों चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जो जो एक्सरसाइज हमने यहाँ पे की है वो घर पे प्लीज आप रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए और लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू एंड वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।